नमस्कार साथियों, आज एक अच्छी न्यूज़ मैं देने वाला हूं, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा यार अच्छी क्या है, ये तो बुरी न्यूज़ है अपने लिए, तो जैसी है वैसी ही रहे। लेकिन जी हाँ साथियों, बताना जरूरी है, वीआई सरकार ने बड़ा फैसला लेते, आपको पता भाई वीआई का लाइसेंस लेना एक खंडे की धार की तरह है, बड़ा मुश्किल होता है, ट्राई देना बड़ा मतलब पैसा भी खर्च होता, पैसा तो खर्च होता जैसा होता है, पहले लाइसेंस मिलना भी इतना आसान नहीं है। जी हाँ, बड़े लोगों को मुश्किल से लाइसेंस मिल पाते हैं, पहले वो अलग से स्कूल ज्वाइनिंग करते हैं वगैरह वगैरह, जो लाइसेंस लेते हैं उनको सबको पता ही होता है। लेकिन यहाँ पे भी सरकार ने एक बड़ा आदेश पारित करते हुए आरटीए ने एक घोषणा, एक नोटिस जारी किया कि 33 देशों के लोग, 33 कंट्रीज के पीपल्स ड्राइविंग टेस्ट दिए, उनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वो लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे तुरंत उनको लाइसेंस बन के मिल जाएगा। जी हाँ, लेकिन वो 33 कंट्री कौन सी है वो इंपॉर्टेंट अपने लिए जानना जरूरी है। अब आप सोचोगे भाई कौन सी कंट्री है, तो हम आपको उनमें उनके बारे में भी बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड आप नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। 33 कंट्रियों के आप नाम जान सकते हैं कि भाई ये कौन सी कंट्री है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले नंबर पे कुवैत है, फिर बहरीन, कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, स्पेन, जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हॉलैंड, इटली, स्वीडन, टर्की, ग्रीस, यूके, पोलैंड, रोमानिया, फ्रांस, आयरलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, डेनमार्क, यूएसए, साउथ अफ्रीका, कनाडा, सिंगापुर, हांगकांग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, इन देशों के सभी नागरिक अपने देशों के लाइसेंस दुबई में ड्राइविंग में बदल सकते हैं। जी हाँ, ये 33 कंट्री के नाम आए, लेकिन भाई इसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बंगाल, भूटान, कोई भी कंट्री का नाम नहीं आया। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन एक ही है, ज्यादा आप सोचिए मत। इसका रीजन ये है कि एशियन कंट्री की जो ड्राइवरी है वो राइट साइड में है, और इन कंट्री की जो ड्राइवरी है वो लेफ्ट साइड में है। उनके जो नियम है 33 कंट्री के, वो गल्फ के दुबई के लगभग सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इन लोगों को पता होता है कि भाई गाड़ी किस तरह से चलाई जाती है, इनको कोई दिक्कत यूएई में गाड़ी चलाने में नहीं आती है। और एशियन लोग हैं जो इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली ड्राइवर हैं, उनका इंडिया से अगर कोई जाते ही उनको वहाँ गाड़ी पकड़ा दे चला लेगा, आप सोचने की बात है, इतना आसान नहीं है। पहले उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाके वो बना सकता है। बस यही मोटा रीजन दिया गया कि भाई एशियन इंडिया के लोगों की इधर लेफ्ट में, राइट में ड्राइवरी करते हैं, और ये लोग हैं जो लेफ्ट में करते हैं, इसलिए इनके जो ड्राइविंग जो नियम बने हैं रोड के, जो वो सेम है, इसलिए इनको फ्री में दे दिया कि भाई बिना टेस्ट किए भी आपको लाइसेंस वे सरकार इश्यू कर देगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इस कंट्री में जैसे इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, ड्राइवरी हैं, जैसे कुवैत के, सऊदी के, या फिर ओमान, बहरीन में हमारे लोग वहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं, उनके पास वहाँ के सरकार द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है, ठीक है, तो क्या हम भी तो फिर वैसे ही हो गए ना, क्योंकि हमें तो ड्राइवरी आती है गल्फ कंट्रीज की, तो क्या हम भी फिर हमें भी बिना इंटरव्यू दिए लाइसेंस मिल जाएगा टेस्ट दिए? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसमें कानून जो बना है इसमें शर्त ये है कि इनका मूल निवासी होना चाहिए, इन 33 कंट्रीज हैं, इनका मूल निवासी होगा तो ही आपको बिना टेस्ट दिए लाइसेंस मिल जाएगा, और आप मूल निवासी तो हो नहीं, आप तो वहाँ पे इधर जॉब करते थे, तो आपके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा, इन कंट्रीज के ऊपर लागू होगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगे, तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।